दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको शश ईद के रोज़ों के फ़ज़ाइल के हवाले से तीन अहदीस मुबारक बयान करेंगे। गुजारिश है कि अगर आपसे मुमकिन हो सके तो ईद उल फितर के बाद 6 रोज़े रखने की कोशिश कीजिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरे मुसलमानों तक भी शेयर कीजिएगा। हदीस पाक का मफहूम है, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर 6 दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। दूसरी हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की है, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इनके बाद 6 दिन शव्वाल में रखे तो ऐसा है जैसे दहर का रोज़ा रखा, यानी उम्र भर के लिए रोज़ा रखा। तीसरी हदीस पाक का मफहूम है, जिसने ईद उल फितर के बाद शव्वाल में 6 रोज़े रख लिए तो उसने पूरे साल के रोज़े रखे कि जो एक नेकी लाएगा उसे 10 मिलेंगी। तो माह रमज़ान का रोज़ा 10 महीनों के बराबर है और इन 6 दिनों के बदले में 2 महीने तो पूरे साल के रोज़े हो गए। दोस्तों बेहतर है कि ये रोज़े मुतफर्रिक यानी जुदा जुदा रखे जाएं और ईद के बाद लगातार 6 दिन में एक साथ रख लिए जब भी कोई हर्ज नहीं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये रोज़े ईद के बाद लगातार रखे जाएँ तब भी मुज़ाहिका नहीं और बेहतर यह है कि मुतफर्रिक यानी जुदा जुदा रखे जाएं, जैसे हर हफ्ते में 2 रोज़े और ईद उल फितर के दूसरे रोज़ 1 रोज़ा रख ले और पूरे माह में रखे तो भी मुनासिब है। खुलासे कलाम यह है कि ईद उल फितर का दिन छोड़कर सारे महीने में जब चाहें शश ईद के रोज़े रख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और सवाब की नीयत से अपने दूसरे मुसलमानों तक भी इस वीडियो को शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के बटन को भी दबाएँ ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।